झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स परीक्षा के परिणाम हम सभी के सामने हैं। झारखंड के कई जिलों से छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। खास बात यह है कि टॉप 10 में सिर्फ 10 छात्र नहीं, कुल 48 छात्र हैं, जिसमें 40 लड़कियां हैं। इस रिजल्ट ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोनों संकाय में पास हुए प्रथम श्रेणी के आंकड़े के साथ साथ पास करने वाले छात्रों के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंटर आर्ट्स के टॉपर में कुल 20 छात्र हैं, इनमें 16 छात्राएं शामिल हैं। वहीं कॉमर्स में 28 विद्यार्थी टॉप 10 में हैं, जिनमें 24 छात्राएं शामिल हैं। आर्ट्स और कॉमर्स रिजल्ट में जिला के परफॉर्मेंस की बात करें तो आर्ट्स में खूंटी जिला सबसे आगे है, यहाँ का रिजल्ट 99.27% रहा है। वहीं कॉमर्स में जामताड़ा आगे है, यहाँ का रिजल्ट 98.18% रहा है। आर्ट्स में टॉप 5 जिलों की बात करें तो खूंटी के बाद लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग और गुमला शामिल है। वहीं कॉमर्स के शीर्ष 5 जिलों में जामताड़ा, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा के नाम शामिल हैं। हजारीबाग की मानसी साहा स्टेट टॉपर बनी है। वहीं कॉमर्स फैकल्टी में बोकारो जिला अंतर्गत चंद्रपुरा की निक्की कुमारी स्टेट टॉपर बनी है। निक्की ने इस परीक्षा में कुल 478 नंबर लाए हैं। इंटर कॉमर्स परीक्षा में राज्य में टॉप करने वाली निक्की कुमारी बोकारो के चंद्रपुरा स्थित DVC प्लस 2 की छात्रा है। इन्हें जो विषय सबसे ज्यादा पसंद है वो अकाउंट्स है, इसमें इन्हें 97 अंक मिले हैं। इसके अलावा इन्हें इंग्लिश में 90, BST में 98, इकोनॉमिक्स में 95 और ETP में 98 अंक मिले हैं। इंटर कला की परीक्षा में किसान मजदूर इंटर महाविद्यालय गिद्दी सी की छात्रा मानसी साहा ने स्टेट टॉप किया है, उन्हें 474 अंक मिले हैं। अंग्रेजी में उन्हें 92, हिंदी में 93, इतिहास में 94, राजनीतिक शास्त्र में 98, भूगोल में 97 अंक मिले हैं। मानसी साहा अपनी सफलता से बेहद खुश हैं। मानसी के पिता निजी वाहन चालक हैं। मानसी प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा जता रही हैं। इसके अलावा स्टेट में आर्ट्स और कॉमर्स में किन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया उनकी सूची इस प्रकार है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।